हेलो गाइस, दिस इज रोशन झा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। यहाँ पर मैथ्स का सेशन होता है और मैथ्स के सेशन में हम अगले लेक्चर की ओर चलते हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर का, उसमें कुछ क्वेश्चन को 2 नंबर का क्वेश्चन तक हम लोगों ने किया था, उनके आगे 3 नंबर का क्वेश्चन आज करेंगे। तो इनसे पहले वाला लेक्चर को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उसका लिंक है वहाँ पे क्लिक करके आप इनसे पहले वाला लेक्चर को देख सकते हैं। और आप जिस भी क्लास में पढ़ते हो, जिस भी सब्जेक्ट का आपको लेक्चर चाहिए, सारे कुछ उपलब्ध है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के। लिंक को क्लिक करने के बाद आपका एक पेज खुलेगा लेट्स लर्न फ्रॉम होम का, वहाँ पे सारे सब्जेक्ट के बारे में लेक्चर डाला हुआ है, आपको जो इच्छा हो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए बिना कुछ बात किए आज हम स्टार्ट करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से आज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे 3 नंबर्स का। 2 नंबर्स का निकालने का तरीका हम लोग सीख चुके हैं पिछले लेक्चर में, अब इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम 3 निकालते हैं। तो जिस प्रकार से हम 2 का निकालते हैं उसी प्रकार से हम 3 का भी निकालेंगे। देखिए, पहले आप 12 का प्राइम फैक्टर करो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 7, ये 12 को हो गया। फिर आप 15 का करो, 3 5 जा 15, 5 into 5 1। फिर आप 21 का करोगे, 3 7 जा और 7 1 जा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि 12 इक्वल टू 2 into 2 into 3, 15 इज इक्वल टू 3 is to 5, 21 इक्वल टू 3 into 7। आपको निकालना है एस सी एफ और एल सी एफ। देखिए, एस सी एफ और एल सी एम निकालना है आपको। तो एस सी एफ और एल सी एम निकालने के लिए आप याद करिए, कल हमने बताया था आपको कि एस सी एफ वो होता है जो तीनों में होता है, मतलब दोनों में होता है। आज 3 वो नंबर है तो जो तीनों में होगा, जो तीनों में कॉमन होगा वो आपका एस सी एफ होगा। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ भी 2 नहीं है, तो 2 तो एस सी एफ नहीं होगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 होगा एस सी एफ। तो एस सी एफ कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि 3 तीनों में कॉमन है। और एस सी एफ में सबसे कम टाइम्स, 3 यहाँ पे 1 टाइम्स, यहाँ पे 1 टाइम्स 1 टाइम्स, तो मतलब एक ही बार होगा। उनके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन है। एलसीएम में हम सब नंबर को लेते हैं और ज्यादा टाइम्स वाले नंबर को लेते हैं। 2 को भी लेंगे, 3 को भी लेंगे, 5 को भी लेंगे, 7 को भी लेंगे। 2 यहाँ पे 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स लेंगे। 3 into 5 into 7, 3 1 ही टाइम्स है सब में, 5 1 टाइम, 7 1 टाइम्स। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 3 जा 12 12 5 जा 60 60 420। एस सी एफ हो गया आपका 3, एल सी एम हो गया आपका 420। इस तरीके से आप देखते हो कि कैसे हम 3 नंबर का एस सी एफ और एल सी एम को निकाल सकेंगे। तो आप लोग जान गए, यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि 3 नंबर आपको दिया हुआ था, 12 15 और 21। 12 का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 15 का किया, 21 का किया, फिर देखा आपने कि तीनों में जो कॉमन है वो एस सी एफ होता है। तो तीनों में आपका 3 कॉमन था जो एस सी एफ हुआ। और एल सी एम में सबको लेना है ज़्यादा टाइम्स, 2 लेना है, 2 पहला 12 में 2 टाइम्स आ रहा था, 2 टाइम्स 2 को लिए, 3 5 7 1 टाइम्स था, मल्टीप्लाई करा हमने 420। अगला क्वेश्चन है आपका 17 23 और 29। तो 17 का जब आप प्राइम फैक्टर करोगे तो ये केवल और केवल 17 से ही डिविजिबल होता है, बिकॉज 17 इज अ प्राइम नंबर एंड वी नो दैट द प्राइम नंबर इज ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1। अगेन 23 इज आल्सो अ प्राइम नंबर, इट इज आल्सो डिविजिबल बाय ओनली 23 एंड 29 इज आल्सो अ प्राइम नंबर, इट इज ओनली डिविजिबल बाय 29। देयरफॉर वी कैन राइट 17 इज इक्वल टू 17 इनटू 1, 23 इज इक्वल टू 23 इनटू 1, 29 इज इक्वल टू 29 इनटू 1। यहाँ पे 1 हमको लिखना पड़ा क्योंकि 1 के अलावा कोई कॉमन है ही नहीं, तो मजबूरी है यहाँ पे 1 को आपको लिखना। तो एस सी एफ आपका क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। और एल सी एम क्या होगा? 17 into 23 into 29। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 11339। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है इनका, बड़ा आसान है। 17 23 और 29, तो तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो जब कोई कॉमन ना हो तो 1 तो होगा कॉमन, 1 को आपने कॉमन ले लिया, तो जब 1 कॉमन आया तो आपका एस सी एफ हो गया 1। और एल सी एम में तो सबको लेना है, 17 को भी लेना है, 23 को भी लेना है, 29 को भी लेना है, तो आपने सबको ले लिया तो मल्टीप्लाई करके वो हो गया 1 1 1 3 3 9।
चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका गिवन दैट एससीएफ किसका 306 एंड 657 का 9 दिया हुआ है और एलसीएम आपको निकालना है बिना फॉर्मूला का यूज किए, बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के इनका एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। तो कल याद करिए, कल हमने पढ़ा था, कल एक आया था टर्म एलसीएम इंटू एससीएफ, एलसीएम इंटू एससीएफ पिछला लेक्चर में एलसीएम इंटू एससीएफ इक्वल टू आपने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, पढ़ा था ना प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एलसीएम इंटू एससीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर। तो यहाँ पे एलसीएम आपका पता नहीं, एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। एससीएफ आपका दिया हुआ है 9 और टू नंबर है, एक नंबर है 306, दूसरा नंबर है 657। तो यहां पर एलसीएम बराबर होगा 306 इंटू 657 बाय में 9। अब आप इनको क्या करोगे, कैंसिलेशन करोगे, 9 3 जा 27, 3 पे 6 9 4 जा 30। अब आप इनको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वही आपका हो जाएगा इनका एलसीएम, मल्टीप्लाई करके होगा 22398, 22398 आप अपने से मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर आपको इसी क्वेश्चन में एलसीएम दिया रहता, एससीएफ निकालना होता, तो आप क्या करते, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को ऊपर लिखते और नीचे में आप एलसीएम को लिखते, तब एससीएफ निकल जाता। तो ये फॉर्मूला होता है, उससे आपको तीन चीज दिया रहेगा, चौथा चीज आप अपने मन से निकाल सकते हैं, एलसीएम इंटू एससीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्लियर है, ये क्वेश्चन भी आपका यहां से बन गया। इनको देखते हैं, इस क्वेश्चन को, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड्स विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब आपको यहां पे चेक करना है कि 6 टू द पावर n का वैल्यू कभी भी 0 हो सकता है। आप ऐसे सोचिए, थोड़ा सा ऐसे सोचने के लिए क्वेश्चन बनाने का तरीका हम बताते हैं आपको। 6 टू द पावर n और n एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का मतलब 1, तो 6 का पावर जब आप 1 करोगे तो कितना होगा 6, फिर 2 भी हो सकता है पावर, कितना हो जाएगा 36, 3 हो जाएगा कितना हो जाएगा 216। उसी प्रकार से आप आगे उनको बढ़ा सकते हो। तो 6 का पावर कोई भी नेचुरल नंबर अगर आप रखोगे तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा यही सब नंबर आएगा, 6 आएगा, 36 आएगा, 216 आएगा, मतलब उनका यूनिट डिजिट जो होगा वो 6 होगा, यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं हो सकता। आप चेक कर लो 6 का पावर 5, 6 का पावर 6, 6 का पावर 7 कुछ भी रख लो, लेकिन यूनिट पोजीशन आपका कभी भी 0 नहीं होगा। तो इनका ये चेक करने के लिए है, तो इनका आप क्या लिखोगे, ये 0 नहीं होगा। अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन आपको करना है कि क्यों 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 होने के लिए फैक्टर में 5 और 2 होना चाहिए, 2 और 5 जब होगा तब 2 5 जा 10 हो जाएगा, तब जाकर के वो 0 होगा। तो 6 का फैक्टर में ना तो 2 तो आता है लेकिन 5 नहीं आता, तो 2 के साथ जब तक 5 नहीं आए तो वो 0 नहीं देगा। तो इनका सॉल्यूशन को जो लिखना है आपको वो लिखिएगा, सॉल्यूशन इफ एनी नंबर एंड्स विथ 0 इट शुड बी Divisible by 10। अगर कोई डिजिट का लास्ट में, कोई नंबर के लास्ट डिजिट 0 हो तो निश्चित रूप से वो 10 से डिविजिबल होगा। 10 से डिविजिबिलिटी का यही रूल है कि लास्ट पोजिशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और 10 से वही नंबर 0 होगा जो 2 और 5 दोनों से डिवाइज होगा। और इन अदर वर्ड, हम लोग अदर वर्ड में कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 एंड 5, 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा। बट हेयर 6 इज इक्वल टू 2:3, नॉट डिविजिबल बाय 5, 6 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। तो 6 टू द पावर n का जो प्राइम फैक्टर होगा वो होगा 2:3 पावर n, तो यहां पर 5 नहीं आया। तो जब यहां पे 5 नहीं आया तो आप क्या बोलोगे इनको, कि इट इज नॉट डिविजिबल बाय, इट इज, इसका लास्ट यूनिट पोजिशन 0 नहीं होगा। तो यहां पर आप कह सकते हो, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट
इट कैन बी ऑब्जर्व डैट फाइव इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, फाइव इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ सिक्स। सिक्स का जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला तो उसमें आपका फाइव नहीं था, तो जब फाइव नहीं है तो टेन नहीं होगा। हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन सिक्स टू द पावर एन विल नॉट बी डिविजिबल बाय फाइव, देयर फोर सिक्स टू द पावर एन कैन नॉट एंड विद द डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो लास्ट में आप लिखेंगे कि सिक्स टू द पावर एन जो है वो जीरो, उसका एंड्स जीरो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि सिक्स का प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल टू आता है, फाइव नहीं आता। अगर फाइव आता तो आप कह सकते थे therefore सिक्स टू द पावर एन कैन नॉट एंड विथ द डिजिट जीरो वेयर एन इज नेचुरल नंबर। जहां पे एन एक नेचुरल नंबर होगा वहां पे ये कभी भी डिविजिबल नहीं होगा, इसके लास्ट में जीरो नहीं आएगा। तो आपने क्या देखा कि सिक्स टू द पावर एन जब रहेगा और एन को नेचुरल नंबर कहा जाए तो वो कभी भी जीरो पे इसका खत्म नहीं होगा, एंड इनका जीरो पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जीरो पे खत्म होने के लिए वो टेन से डिविजिबल होगा। अगर यूनिट पोजिशन किसी भी चीज का जीरो है तो निश्चित रूप से वो टेन से डिविजिबल होगा, और अगर वो टेन से डिविजिबल है तो टू और फाइव दोनों से डिविजिबल है। लेकिन सिक्स तो टू से डिविजिबल होता है लेकिन फाइव से डिविजिबल नहीं होता है। इसका मतलब सिक्स टू द पावर एन कभी भी जीरो पे खत्म नहीं होगा। ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन में है एक्सप्लेन व्हाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर क्यों है, इनका थोड़ा एक्सप्लेनेशन आपको करके दिखाना है कि आखिर ये कंपोजिट नंबर क्यों है, ये प्राइम नंबर क्यों नहीं है। तो हम लोग इनको देखते हैं कि कैसे ये कंपोजिट नंबर है। पहला है आपका जो क्वेश्चन वो है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ये क्वेश्चन इनको आप लिख सकते हो, देखो 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, तो 13 आपका कॉमन आ जाएगा, बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1 बचेगा ना, यहाँ पे 13 को आपने कॉमन ही ले लिया, 1 बचा, तो 13 इंटू 77 प्लस 1 13 इंटू 78। अब मल्टीप्लीकेशन करने का हमको कोई जरूरत नहीं है। अब आप यहां पर देखो कि इनका मल्टीप्लीकेशन जो भी होगा वो निश्चित रूप से 13 से डिविजिबल होगा, वो निश्चित रूप से 78 से डिविजिबल होगा, बाकी और अन्य नंबर से भी डिविजिबल होगा, लेकिन हमको उनसे कोई मतलब नहीं। कि अब क्या होता है कंपोजिट नंबर, अगर दो से ज्यादा फैक्टर हो गया यानी वन और अपने से ज्यादा फैक्टर हो गया अपने आप से, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर। तो यहां पे जो भी प्रोडक्ट होगा वो एटलीस्ट 13 से डिविजिबल होगा, वो खुद से डिविजिबल होगा और 1 से डिविजिबल होगा, 78 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया कंपोजिट नंबर। देयरफॉर गिवन नंबर आर, गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर। क्लियर? क्यों क्लियर है? क्योंकि कंपोजिट नंबर जब भी आप प्राइम नंबर, कोई भी आप प्राइम नंबर को देखोगे तो उनका केवल टू फैक्टर होता है, फाइव है तो फाइव और वन, फाइव इंटू वन, लेकिन इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा कुछ भी होगा वो एटलीस्ट 13 से तो डिविजिबल होगा, 78 से तो डिविजिबल होगा। इसका मतलब वो वन और अपने आप से ज्यादा उसका फैक्टर है, तो वो क्या हो गया कंपोजिट नंबर। सेम वही सारा फंडा इसमें भी आप लगा दोगे, ये 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहां पे आप क्या देखोगे, यहां पे आपका कॉमन आ जाएगा, सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन प्लस फाइव। यहां पे आपका कॉमन क्या होगा, फाइव, दोनों में है फाइव, और बचेगा सेवन इज टू सिक्स इज टू फोर इंटू थ्री इंटू टू, अब प्लस में बचेगा वन। तो अब इनको जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो 7 6 जा 42 और उधर 4 3 जा 12 2 जा 24, तो 24 और 42 को मल्टीप्लाई करोगे आप
तो हो जाएगा आपका 1008 1008। अब देखो जो भी नंबर यहां पे होगा इनका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद वो निश्चित रूप से 5 से डिविजिबल होगा, निश्चित रूप से 1008 से डिविजिबल होगा। तो आप कह सकते हो कि गिवन नंबर जो आएगा, गिवन नंबर इज, वो भी क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली वो कंपोजिट होगा। आप कंपोजिट नंबर समझ रहे हैं, प्राइम नंबर वो होता है जो किसी से डिविजिबल नहीं होता, केवल अपने आप से डिविजिबल होता है और वन से डिविजिबल होता है, और कंपोजिट नंबर वो होता है जो किसी से डिविजिबल हो। तो यहाँ पे इनका प्रोडक्ट किसी से डिविजिबल हो ना, 5 से तो होगा, तो 5 से होगा इसका मतलब वो कंपोजिट हो गया। जो किसी से भी डिविजिबल हो दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, जो किसी से भी डिविजिबल ना हो वो हो गया आपका प्राइम नंबर। ये दो टाइप्स होते हैं नंबर का, नंबर का इसके आधार। चलिए अब लास्ट वाला क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, जितना लंबा है उतना आसान, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आसान कितना है इनके बारे में समझिए। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, एक फील्ड है, उन स्पोर्ट्स फील्ड है, सर्कुलर है। प्रिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड, प्रिया एक राउंड लगाती है, 18 मिनट का समय लगता है उनको, जबकि रवीश को 12 मिनट फॉर द सेम, 12 मिनट उनको लगता है एक राउंड लगाने में। दे बोथ स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पे स्टार्ट किया, एक ही समय में स्टार्ट किया और एक ही डायरेक्शन में गया। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने समय बाद फिर से वो स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेगा। तुम ऐसे सोचो कि एक राउंड ये किया 18 मिनट, दो राउंड किया 36 मिनट, ये पहला राउंड 12 मिनट, दूसरा मिनट 24 मिनट, तीसरा राउंड 36 मिनट, तो ऑब्वियसली 36 मिनट बाद दोनों मिलेगा स्टार्टिंग पॉइंट पे। लेकिन फर्क इतना है कि प्रिया उस समय केवल दो राउंड लगाएगी लेकिन रवीश उस समय तीन राउंड लगा लेगा। तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग, या तो एचसीएम निकालना है आपको या फिर एलसीएम निकालना है। तो ये सारे कंडीशन में आप क्या निकालोगे, एलसीएम निकालना है आपको। किनका एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 18 मिनट एंड 12 मिनट, 18 मिनट और 12 मिनट का आप क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम कितना होगा, 18 को करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2 3 3, फिर 12 को करेंगे तो ये होगा 2 2 3। तो फिर जैसे बनाते हैं वैसे बना लेंगे, कैसे बनाते हैं तो लिखेंगे 18 = 2 × 3 × 3, 12 = 2 × 2 × 3। एलसीएम 2 को भी लेना है 3 को भी लेना है, 2 को 2 टाइम्स लेना है, 3 को भी 2 टाइम्स लेना है, क्यों लेना है, क्योंकि ज्यादा टाइम्स लेना है। तो 4 × 9 = 36, यानी एलसीएम हो गया 36 मिनट। तो दे विल क्या लिखेंगे आप, दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट, आफ्टर 36 मिनट दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, फर्क बस इतना है। तो लेकिन वहां पे फर्क से कोई मतलब नहीं, हम आपको बता देते हैं कि रवीश तीन राउंड लगा लेगा और प्रिया 2 राउंड लगाएगा। एक्सरसाइज 1.2 आपका खत्म हुआ इस तरीके से। अब एक्सरसाइज 1.3 को पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़िएगा, अगर समझ में आ रहा होगा तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच ताकि उन्हें भी फायदा हो सके। और जो भी आपको वीडियो देखना हो पिछला क्लास का या फिर अन्य किसी सब्जेक्ट का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, 9th का 10th का 8th का, जो भी क्लासेस का देखनी हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लेट्स लर्न फ्रॉम होम पे टच करेंगे, साइट खुलेगा और वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे, आप उनको देख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।